अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बर्ड्स एंड एनिमल एंटरटेनमेंट। आज आप भाइयों की खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, ये मेरा मुर्गा एक न्यू एंट्री था, बड़ा खूबसूरत सील। वैसे तो मैंने वो मुर्गे लेना छोड़ दिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये बस ऐसा दिल को लगा कि रहा नहीं गया, तो ये हो गया था, तो ये मेरे पास आया। इसको थोड़ा माहौल चेंज होने की वजह से टेम्परेचर हो गया, गर्मी लग गई इसको, तो उसमें आसार इस किस्म के थे कि मुर्गे को जो है ना बिल्कुल सबज बिट पानी वाली और उसके साथ वाइट वाइट थोड़े से दाग, और मतलब ये खाना पीना भी हजम नहीं कर रहा था। तो और बॉडी टेम्परेचर इतना हो गया था, मतलब आम भी अगर बंदा हाथ लगाए ना तो इस तरह पता लगता था कि पता नहीं आप तंदूर में हाथ डाल दिए, इतना इसका टेम्परेचर हाई हो गया था। तो बाकी है उसके लिए, फिर सबसे पहले मैंने बुखार के लिए किया ये पेंसिलिन 5 लाख इंजेक्शन है, ये आपको मिलेगा पाउडर फॉर्म में मेडिकल स्टोर से, ये इतना महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 40-50 रुपए का ये होता है पाउडर फॉर्म में। इसके साथ आपने एक चीज़ और ऐड करनी है कि इसके साथ आपको लेना होगा नारोबियन इंजेक्शन, वो भी तकरीबन 50-60 रुपए का है, तकरीबन 100 रुपए का आपको कह लें कि आपका ट्रीटमेंट का खर्चा है इसका। बुखार तोड़ने के लिए सबसे पहले आपने नारोबियन इंजेक्शन को ये पाउडर फॉर्म पेंसिलिन में ऐड करना है, ऐड करके उनको अच्छी तरह हिला लेना है, बिल्कुल आप कह लें पाउडर ख़त्म हो जाए। फिर आपने सिरिंज ले लेनी है बिल्कुल छोटी सुई वाली, ये देखें मेरे पास 1 ml वाली सुई है, छोटी सुई। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो ये छोटी सुई का ये फ़ायदा होता है, गोश से जो है ना इंजेक्शन हड्डी में नहीं लगता है, ये सुई जो है हड्डी में नहीं लगती, हड्डी से लगने से थोड़ा सा इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें रोज़मर्रा भी आप ये चीज़ें अपने पास रखें, एक ये फीडिंग वाली या कोई दवाई वगैरह खिलाने के लिए ये एक बड़ी सिरिंज रखें, छोटी सिरिंज आप रखें इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, छोटी सिरिंज आप लें उसमें इंजेक्शन बढ़े, ये 1 ml है, आप 5 ml भी ले सकते हैं, अगर आपको छोटी सुई वाली 5 ml वाली मिलती है आप वो भी ले सकते हैं, ये 1 ml है। ये जब आप इंजेक्शन तैयार करेंगे ये आपका 2.5 ml तैयार हो जाएगा, आपने वो 2.5 ml इंजेक्शन एक ही टाइम में लगा देना है इसको, इंशाल्लाह आपके पास एक दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप देखना है आपने 2.5 ml इंजेक्शन मुर्गे को लगा देना है, इंशाल्लाह एक ही बार में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपने साथ साथ एक चीज़ और करनी है, ये जैटी पर सिरप है, ये 300 समथिंग का सिरप है, जैटी पर सिरप आप लोगों ने ले लेना है मेडिकल स्टोर से, वो आप लोग उसका ये फ़ायदा होता है कि मुर्गे के ये जो हाजमे वगैरह का मसला होता है ना, ये असल में होता है मैदा ख़राब होने की वजह से, मुँह वगैरह पकने की वजह से। इसके लिए आपने जैटी पर सिरप 5 ml दो टाइम 2.5 ml इसको करके सुबह शाम देना है। अच्छा, और सबसे ख़ास बात आप लोगों को बताता चलो कि आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी मुर्गा आपका किसी भी किस्म की बीमारी उसको जब पड़ती है ना, तो आपने दाना बाजरा गंदम ये चीज़ें बिल्कुल नहीं, उसकी रोक देनी है आपने, जो उसके पौंडे में चला गया वो भी कोशिश करें, अगर मुर्गे की कंडीशन अच्छी है तो वो आपने उसमें से निकाल लेना है, पोटा उल्टा कर लेना ही चला, उसके उसके वाले से भी वीडियो बनाएंगे हम। पोटा खाली करके फिर आप लोगों ने उसको रखनी है नरम गज़ा, नरम गज़ा से मुराद ये चाय रस हो गए, ब्रेड होगी आपके, वो आप अगर दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ आप लोगों ने और करनी है, अगर ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो आपने उसके लिए ये करना है कि आपने गीली होती हैं जो घर की बच्ची कुची होती हैं वो अक्सर हार्ड हो जाती हैं, वो आपने गीली कर लेनी है रात के टाइम, सुबह के टाइम मुर्गे को जो है ना अगर वो खुद खाता है तो वेल एंड गुड, अगर ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है कोशिश करनी है ज़्यादा भी नहीं खिलाना कि ये ना वो पोटा उसका भर जाए, वो मतलब खाली करने में उसको मसला हो, आपने इतना नॉर्मल नॉर्मल खिलाना है कि उसकी जो वीकनेस है वो पूरी होती रहे, ज़्यादा वीकनेस ना हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, दाना वगैरह बिल्कुल रोक देना है। तो बाकी देख सकते हैं अभी मुर्गे का ट्रीटमेंट जारी है, पर यह है कि अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, भाइयों के साथ वही चीज़ शेयर करते हैं जो हमारी आजमाई भी है, 100% ग्रंटेड है। मैं इनके इन तीन चीज़ों के अलावा मैंने कोई चीज़ इस मुर्गे के साथ नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है आज मुर्गा आपके सामने है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, अल्लाह हाफिज़।